ग्वालियर जिले में एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि इंदौर की एक महिला डॉक्टर ने ग्वालियर के एक दंपत्ति पर मारपीट के संगीन आरोप लगाए। दरअसल इंदौर में पदस्थ महिला डॉक्टर रक्षाबंधन पर अपने घर ग्वालियर आ गई थी। उनके साथ की सीट पर भी एक अन्य महिला बैठी थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि उनमें मारपीट हो गई। महिला डॉक्टर को सहयात्री युवती ने पीट दिया, जिससे उनके हाथ की उंगली में फ्रैक्चर आ गया। महिला डॉक्टर का आरोप है कि हमलावर युवती के पति मानवेंद्र सिंह ने भी उनके साथ अभद्रता की। मानवेंद्र सिंह बस पर अपनी हमलावर पत्नी को लेने आया था। महिला डॉक्टर ने करीब 1.5 मिनट का एक मोबाइल से वीडियो बनाकर भी सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपा है। वहीं पुलिस ने महिला डॉक्टर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए केस ड्राइवी को गुना भेज दिया है। झांसी रोड थाने में एक जो है महिला डॉक्टर जो है उनके द्वारा आज लिखित आवेदन दिया गया है कि वो इंदौर से बस में आ रही थी, एक नंबर सीट पर बैठी हुई थी और एक नंबर और दो नंबर सीट पर दोनों महिलाएं बैठी हुई थी और दोनों महिलाओं का विवाद हुआ, उस पर से इनका झगड़ा हुआ। घटना जो है देवास और गुना के बीच की बता रही है वो, तो इस संबंध में उनके आवेदन के आधार पर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उनके स्टेटमेंट लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाए।